हर चीज का जवाब दिया जाएगा और मैं दूंगा जवाब। साहब ना डेमोक्रेसी की चिंता है, ना देश की चिंता है, ना जनता की चिंता है, अपने गठबंधन को बचाने के लिए सारे लोग यहां आए। और आज मुझे कह रहे थे कि भारत आपको देख रहा है, मणिपुर पर सरकार चर्चा करने के लिए तैयार। सारे लोग राज्य के अधिकार, राज्य के अधिकार, राज्य के अधिकार कह रहे हैं। कौन से राज्य के, कौन से राज्य के? दिल्ली राज्य ही नहीं है कि हम इसलिए आए हैं कि केजरीवाल जी हमारे गठबंधन से भाग न जाए। पीएम आएंगे तभी संसद चलने लगे। आज क्या हो गया है? आज इस बिल में मैं तो स्वागत करता हूं, आपने चर्चा की, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं तो चाहता हूं हर रोज ही आ जाइए, परंतु आज क्या हुआ है? क्या डेमोक्रेसी की चिंता है? तो डेमोक्रेसी की चिंता है तो हर एक बिल महत्वपूर्ण, हर एक बिल महत्वपूर्ण। क्या देश की चिंता है? तो किसानों के लिए भी बिल आया, बाकी सारे विषय के लिए भी बिल आए, मगर कोई नहीं आया। साहब ना डेमोक्रेसी की चिंता है, ना देश की चिंता है, ना जनता की चिंता है, अपने गठबंधन को बचाने के लिए सारे लोग यहां आए। और आज मुझे कह रहे थे कि भारत आपको देख रहा है, मैं बता रहा हूं कि भारत देख भी रहा है, देखना भी चाहिए, आपके दोहरे चरित्र को भारत देख रहा है। आपके लिए जनता के बिल महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे गठबंधन से एक छोटी सी सुपारी जितनी पार्टी भाग कर न चली जाए, इसका बहुत बड़ा महत्व है। आपकी प्रायोरिटी बड़ी स्पष्ट हो गई भाई, बहुत स्पष्ट आप लोगों ने ही कर दी। मैं तो कुछ बोला नहीं, चुपचाप सुनता रहा, सबको पढ़ा और सब बड़ी बड़ी दुहाइयां दे रहे थे। अरे भले आदमी कोई तो सच बोल देता कि हम इसलिए आए हैं कि केजरीवाल जी हमारे गठबंधन से भाग न जाए। माननीय अध्यक्ष जी, खैर उनका जो कारण हो, मणिपुर उनका एब्सेंट रहने का कारण नहीं है। मैंने पहले दिन से यहां कह रहा है, जितनी लंबी चर्चा करनी हो मणिपुर पर सरकार चर्चा करने के लिए तैयार। हर चीज का जवाब दिया जाएगा और मैं दूंगा जवाब, मैं दूंगा जवाब। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, उनको प्रॉब्लम एक ही है कि जनता के मन में भ्रांति खड़ी कर दी जाए। मैं उनको बताता हूं कि जनता है जो सब जानती है, कभी भ्रांति खड़ी नहीं होती है। आज आपने अपने आप को यहां पर एक्सपोज कर दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, पूरी चर्चा को मैंने सुना, प्रेमचंद्रन जी से लेकर सारे लोग जो विषय पर बोले मैंने ध्यानपूर्वक नोट भी पढ़े हैं, सुना भी है। माननीय अध्यक्ष जी, ये फिर से मैं एक बार कहता हूं कि सदन जनता को गुमराह करने की जगह नहीं है। सारे लोग राज्य के अधिकार, राज्य के अधिकार, राज्य के अधिकार कह रहे हैं। कौन से राज्य के, कौन से राज्य के? दिल्ली राज्य ही नहीं है, ये तो संघ प्रदेश है और संघ प्रदेश में भी राजधानी क्षेत्र है जो एक विशेष आर्टिकल के तहत बनाया गया, अनुच्छेद 239 से 242 तक दिल्ली के कामकाज करने के तरीके को संविधान ने स्वीकार किया। हम तो संविधान संशोधन लेकर नहीं लाए थे, आप ही आए थे, 69वां संविधान संशोधन आप लेकर आए थे, आपने ही अधिकार नहीं दिए थे अधिकार। उसके तहत अनुच्छेद 239(a)(a)(3)(b) के तहत संसद को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के लिए, उसके संबंधित किसी भी विषय के लिए कानून बनाने का पूर्ण अधिकार है। मैं फिर भी आज, मैं समझता हूं कि आप लोग समझकर ही बोलेंगे, समझते हैं मगर पॉलिटिकली बोले होंगे, मगर मैं ऐसा समझकर बोलता हूं कि आप नहीं समझे होंगे। तो राज्य, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश और राजधानी क्षेत्र, ये संविधान में अलग अलग एंटिटी है। आप राज्य की दुहाई, अभी किसी ने, किसी सदस्य ने कहा कल को आप किसी भी राज्य से, भाई नहीं हो सकता।
राज्य के काम में दखल नहीं हो सकती। यहां दखल इसलिए कर सकती है संसद क्योंकि 239(a)(a)(3)(b) के अंदर इस संसद को आपकी पार्टी जब सत्ता में थी तब अधिकार दिया हुआ है। और अभी किसी को लगता है मेरे अधिकार कम है तो चुनाव लड़ने से पहले आर्टिकल 239(a)(a)(3)(b) पढ़ना चाहिए था, अब पढ़े नहीं, लड़ लिए और कहते मेरे अधिकार कम है। मैं देश की जनता को, दिल्ली की जनता को, सारे विपक्षी दलों को इतना ही कहना चाहता हूं, साहब 1993 में राज्य बना, 93 से 15 तक इसी नियमों के अनुसार, उस वक्त भी सर्विस केंद्र सरकार के हाथ में ही थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरप्रिटेशन किया और इंटरप्रिटेशन कर ये भी कहा कि अगर आपको सर्विस हाथ में लेनी है तो कानून बनाना पड़ेगा, जो अभी हम कर रहे हैं। तो 93 से लेकर 2015 तक किसी भी मुख्यमंत्री को कभी भी झगड़ा नहीं हुआ। आप भी आए, हम भी आए, ऊपर हम भी थे, आप भी थे, क्योंकि झगड़ा इसलिए नहीं हुआ कि जो भी आए, मैं तो आपके वखान कर रहा हूं अधीर रंजन जी समझिए, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, जो भी आए उनका मकसद दिल्ली की जनता की सेवा करना था। अगर सेवा करनी है तो झगड़ा करने की जरूरत नहीं, मगर अधिकार चाहिए तो झगड़ा करने, और झगड़ा करने का स्वभाव ही हो तो क्या कर सकते हैं, हम तो रिसीविंग एंड पर है भाई, झगड़ लो, अब क्या कर सकते हो। आप दिल्ली की जनता ने आपको चुना है, आप झगड़ा करना चाहते हो, और रूल्स बनाने के पावर के बारे में किसी सदस्य ने कहा, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि रूल्स बनाने के अधिकार, जो एक्ट बनाने का जिसके पास अधिकार है उसी के पास रूल्स बनाने के अधिकार रहते हैं। एक्ट बनाने का अधिकार भारत सरकार को है तो एक्ट के रूल बनाने का अधिकार, ये बेसिक समझ का विषय है।